हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिबा कुकिंग्स। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं परवल कीमा। परवल कीमा बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए, जो जो सामान चाहिए, हमने वो सब यहाँ पे रख लिया है। ये है ये कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज कटी हुई, ये कुछ मसाले हैं, ये पिसे हुए मसाले हैं, ये हरी मिर्ची चॉप्ड की हुई, ये हमने परवल भी ले लिया। हमने एक कुकर लेना है, उसमें हमने ऑयल डालना है। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर हमने उसमें साबुत खड़े मसाले डालने हैं जो हमने निकाल के रखे थे। मसालों को हल्का सॉटे होने के बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर देना है जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब तक कि लाइट गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम उसमें कीमा ऐड नहीं करेंगे। देखिए ऐसे करना है हमें। जब तक गाइस हमारा प्याज हो रहा है, जब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये हमारा प्याज हो गया है, अब हम इसमें हमने इसमें ऐड कर देना है कीमा। कीमा डालने के बाद हमने इसको इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने इसके पानी को सारा सुखाना है, जलाने हैं, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए पानी से। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हम इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे गाइस। सो आप देख लीजिए, हमें कीमे को 5 मिनट तक पकाना है ताकि इसका सारा पानी जल जाए और ऑयल अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। देखिए हमने ऐसे ऑयल को सेपरेट करना है। यस, हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड उसको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि उसका जो बस कच्चापन है वो निकल जाए। जब तक इसका हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर पर, 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं, अब हमने ऐड करने हैं इसमें मसाले जो हमने पीसे हुए रखे हुए थे। मसाले डालने के बाद हमने इसमें इसको चलाना है, थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ना। हमने धनिया डालना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। धनिया डालने के बाद भी हम इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे एंड मसाला भूनने तक का हम वेट करेंगे। जब तक मसाला अच्छे से नहीं भून जाता है, हमने खूब अच्छे से मसाला भूनना है। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। हम इसमें पानी ऐड करके हम इसको पानी ऐड करने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक भूनते रहना है ताकि इसमें मसालों का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिए हमने गाइस, हमने इस तरह से इसको भूनते रहना है और चलाते रहना है ताकि नीचे चिपके ना। ये मसाला भूनने के बाद हमने इसमें परवल ऐड कर देना है। परवल ऐड करने के बाद हमने इसको चलाना है, मिक्स करना है परवल को अच्छे से, कीमा के साथ मिक्स कर देना है हमने। उसके बाद हमने इसको भी हमने 10 मिनट तक भूनते रहना है ताकि परवल एंड कीमा एडजस्ट हो जाए। अब हमने इसके अंदर डालना है चॉप्ड कटी हुई हरी मिर्ची जो हमने रखी हुई थी एंड सॉल्ट। सॉल्ट हमने इसलिए डाला है ताकि हमने, क्योंकि हमने कीमा का सॉल्ट डाला था उसमें, और अब हमने ऐड करना है जो हमने परवल डाले उसके हिसाब से हमने सॉल्ट को ऐड करना है। जो आपका टेस्ट हो आप उसके हिसाब से डालिए। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिए, और अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालिए। सो ये हमने इसको फिर हमने थोड़ी देर तक पका लेना है। इसको पकाने के बाद हमने अब इसमें हम अपना वाटर ऐड करेंगे। 2 कप वाटर हमने ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फदक आने तक पका लेना है। जब तक इसमें फदक नहीं आ जाती हम तब तक थोड़ा सा इसको पकाते रहेंगे। उसके बाद हमने इसमें कुकर का ढक्कन लगा के हम इसमें 4 से 5 सीटियाँ लेंगे मीडियम आंच पर। ये फदक आँच की, अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस हमारी सीटियाँ आ चुकी थी। ये कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है, तैयार है। आप देखिए बिल्कुल गल चुका है। मैंने चेक कर लिया था इसको, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो गाइस देखिए हमारा मज़ेदार सा परवल कीमा रेडी है। इंजॉय करिए। बाय बाय।